रामनवमी वाला दंगा कहीं हनुमान जयंती को न बना ले अपना टारगेट। हनुमान जयंती पर है आशंका कहीं फिर ना हो जाए दंगा। आखिर क्यों बना है लोगों के अंदर इतनी दहशत कि गृह मंत्रालय को सभी राज्यों को करना पड़ा अलर्ट। आखिर क्यों गृह मंत्रालय को करनी पड़ रही है इतनी सख्ती। इस मुद्दे को पूरा जानने के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। 30 मार्च को देश में रामनवमी के दिन कई राज्य हिंसा की चपेट में आ गए थे। पश्चिम बंगाल और बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। उपद्रव मचाने वालों ने दर्जनों वाहनों को फूंक दिया। दुकानों और घरों में काफी ज्यादा तोड़फोड़ की थी, जिसकी वजह से कई लोग घायल भी हो गए तो कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दहशत के मारे लोग भाग भी गए थे। आज हनुमान जयंती का त्योहार है, जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। कहीं शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है तो कहीं मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा आने को आतुर है। लेकिन जनता को क्या पता कि प्रशासन की चिंता तो कुछ और ही है। आप लोग जहां हनुमान जयंती के त्योहार की जमकर तैयारी कर रहे हैं, वहीं इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं फिर से लोगों की आस्था को उपद्रव मचाने वाली अपनी हरकतों से भंग ना कर दें। कहीं एक बार फिर रामनवमी की तरह हनुमान जयंती पर भी भयानक हिंसा ना भड़क जाए, इसलिए इस बार हनुमान जयंती पर हर जगह अलर्ट रहने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही सभी को एडवाइजरी जारी की गई है। इस हनुमान जयंती पर केंद्र सरकार भी अपनी खास नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा है और कड़ी नजर रखने के लिए भी कहा है। मंत्रालय ने कहा कि देश में जहां जहां धारा 144 लागू की है, उन इलाकों में शोभा यात्रा ना निकालने दी जाए। मंत्रालय ने ट्वीट किया और लिखा कि गृह मंत्रालय की ओर से हनुमान जयंती पर एडवाइजरी जारी कर राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें, त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, राज्य को हर ऐसे तत्व पर अपनी कड़ी नजर रखनी चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस हनुमान जयंती को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। पुलिस ने एक दिन पहले जहांगीरपुरी इलाके में फ्लैग मार्च निकाला और उसी इलाके में पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी पहले से तैनात हैं। विश्व हिंदू परिषद इसी इलाके से रैली निकालेगी। दरअसल कुछ ऐसा बताया जाता है कि पिछले साल 16 अप्रैल को इसी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी और उस हिंसा में 9 लोग जख्मी हो गए थे। जब पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसा हुआ था तो उससे सीख लेकर सीएम ममता बनर्जी ने 3 अति संवेदनशील इलाकों कोलकाता, चंद्रनगर और बैरकपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक एक कंपनी तैनात करने का फैसला किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह कदम कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार के बाद उठाया है। दरअसल जब हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि हनुमान जयंती को लेकर क्या इंतजाम है, इसके बाद कोर्ट ने ममता सरकार को निर्देश दिया कि अगर बंगाल पुलिस स्थिति को संभाल नहीं पा रही है तो उसकी जगह पर अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं, जहां भी धारा 144 लागू हो वहां से कोई जुलूस ना निकाला जाए। वहीं ममता बनर्जी ने भी लोगों से अपील की है कि बंगाल शांति की भूमि है, सभी को हनुमान जयंती का पर्व प्रेम से मनाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद हनुमान जयंती पर प्रदेश के करीब 500 स्थानों पर हनुमान जयंती के मौके पर पूजा अर्चना करेगी और जहां तक सभी लोग श्रद्धा और उल्लास से हनुमान जयंती मनाएंगे। उम्मीद है कि इतनी निगरानी में सब ठीक ही रहेगा। बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा के बाद नीतीश सरकार अलर्ट पर है। आरजेडी ने कहा है कि इस बार गलत करने वाले को बिहार सरकार बख्शेगी नहीं। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। पटना के हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम होता है, इसलिए वहां पर सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार के मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि इस बार रामनवमी जैसी हिंसा नहीं होगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नालंदा और सासाराम में एक तरफ से सभी की गिरफ्तारी हो रही है, इस बार भी हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी कहा कि हनुमान जयंती बहुत ही अच्छी तरीके से मनाई जाएगी। सत्ता में बैठे लोग राम से नफरत करने वाले रावण हैं, सभी बजरंग बली बनकर रावण के अनुयायियों का नाश करेंगे। तो दोस्तों, इस जानकारी को जानने के बाद आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल चेतना मंच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।